do the detailed analysis once all the results come, because they're all trends are there now. Once the results come, we will do the detailed analysis. And as a political party and as a national political party, we'll not only analyze and we'll see that what are the gaps and what are the deficiencies were there and at different levels. We'll look into that and improve upon it. And we'll take this result in our stride, and we'll go ahead and reorganize the party. Hello? And come back during Lok Sabha election. लगभग हार को स्वीकारते हुए उन्होंने कहा कि रुझानों पर नजर है, लेकिन कहां कहां पर गैप्स थे, गलतियां थी, वो हम देखेंगे, रिऑर्गेनाइज करेंगे, वापस आएंगे। गौरव और सुप्रिया दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। सुप्रिया जी, लेकिन कर्नाटक का टेम्पलेट देश का टेम्पलेट बनेगा, ऐसा पिछले 3 चुनावों से नहीं हुआ है, और 28 में से 26 सीटें पिछली बार बीजेपी की वहां पर आई थी। 7वां सबसे बड़ा राज्य देश का, अगर 80 यूपी, 48 महाराष्ट्र और उसके बाद नीचे आइए तो कर्नाटक। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश में हार के बावजूद दिखी, वैसी ही कर्नाटक में दिखी। तो कर्नाटक देश का टेम्पलेट बन जाएगा, ये भरोसा आपको कैसे होता है? मैं बताती हूँ कैसे होता है अंजना जी, क्योंकि सबसे पहले जिन 4 मुद्दों की इन्होंने बात करी, उन्हीं मुद्दों को कर्नाटक ने नकारा है। ये सोच रहे थे कि ये बजरंग बली के समकक्ष बजरंग दल को खड़ा कर देंगे, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे और लोग इनके साथ खड़े होंगे। लोगों ने उसको नकारा है। लोग कह रहे हैं गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं, और भगवान के नाम पर करोगे तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त है। बेंगलुरु में सिमट रहे, जहां पर इनका कोस्टल एरिया में गढ़ माना जाता है, जहां पर इस बात को बहुत चलाना चाहते थे। बजरंग बली ने तोड़ा है, बजरंग बली ने भ्रष्टाचार की नली को तोड़ा है, ये समझना जरूरी है। और सर्वे आफ्टर सर्वे, आपके भी चैनल पर मैंने देखा, आपके ग्रुप के भी मैंने सर्वे देखे, मुद्दा क्या था इस चुनाव का? इस चुनाव का मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार था। महंगाई और बेरोजगारी इस देश का मुद्दा बन चुका है, ये अभी ना समझे तो कोई बात नहीं। वित्त मंत्री आके कहती है हाँ महंगाई मुद्दा, इसके बारे में बात होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष उसके बारे में बात ना करे। तो विपक्ष महंगाई पर बात ना करे, भगवान जाने विपक्ष किस चीज पर बात करे। इनके अनुसार मुझे लगता है कि जितना हम्बल हम अपनी डिफीट में होते हैं, उससे ज्यादा हम्बल हमें अपनी विक्ट्री में होना चाहिए। मैं यहाँ पर आके डींगे नहीं हाकूंगी, लेकिन मैं ये बिल्कुल कहूंगी कि ये संदेश देश दे रहा है आपको, कर्नाटक ही नहीं, आगामी चुनाव चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, मिजोरम हो, जहां पर जनता के मुद्दों के साथ आप खड़े हो जाइएगा, वहां पर आप चुनाव जीतिएगा। अन्यथा इधर उधर की बात करके जनता अब इस उलझुल बातों को सुनने को तैयार नहीं है। वो कहती है मेरे खाने की थाली पर अगर प्रहार होगा तो वोट से आपको मैं चोट पहुंचाऊंगा। असली बात ये है। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ पूरी विनम्रता के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के स्टार कैंपेनर थे, सारा श्रेय इनको दिया जा रहा था। अरे मिलेगा समय, मिलेगा, 2 मिनट रुकिए। सारा श्रेय मोदी जी को था कि भैया मोदी जी आएंगे, जादू की छड़ी घुमाएंगे। मोदी जी जादू की छड़ी नहीं घुमाएंगे। ठीक है।